अमर शहीदों की वीरगाथा का साक्षी शहर का ऐतिहासिक लालबाग पार्क मंगलवार को केसरिया रंग में रंगा नजर आया। मौका था सीतापुर के लालबाग पार्क में आयोजित होने वाला वार्षिक मानस मेला का। सीतापुर की ऐतिहासिक अखिल भारतवर्षी श्री रामचरित मानस के तत्वाधान में 51 पीतांबरधारी सौभाग्यवती महिलाओं ने अपने सिर पर कलश धारण कर लालबाग पार्क से यात्रा का शुभारंभ किया। कलश यात्रा शहीद पार्क से घंटाघर, दुर्गा मंदिर, आलमनगर, ओलीनगर, ग्रीकगंज, लाल कपड़ा कोठी, ट्रांसपोर्ट चौराहा, नगर पालिका कार्यालय होते हुए लालबाग चौराहा, आंख अस्पताल, परशुराम चौक, सिविल लाइन, कोतवाली चौराहा होते हुए गोपाल घाट पहुंची। यहां महिलाओं ने वैदिक मंत्रों के मध्य पूजन अर्चन कर कलशों में जल भरा और पुनः प्रमुख मार्गों से होते हुए कार्यक्रम स्थल लालबाग पहुंची, जहां कलश स्थापित किए गए। कलश यात्रा का नगर पालिका कार्यालय के पास चेयरमैन नेहा अवस्थी ने अपने पति नमींद्र अवस्थी व पालिका कर्मचारियों के साथ पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। इसके अलावा अन्य कई जगहों पर कलश यात्रा का स्वागत किया गया। यात्रा में मानस की चौपाइयां, हनुमान चालीसा और वेद मंत्रों का पाठ भजन गायक अनिल तिवारी ने अपनी संगीत मंडली के साथ किया। अग्रसेन पार्क के पास भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष आकाश अग्रवाल बजरंगी ने सपत्नीक स्वागत कर पूजन किया। यात्रा में 100 से अधिक चार पहिया और 200 से अधिक बाइकों पर सवार श्रद्धालुओं ने यात्रा को भव्य बनाया। इसी के साथ विश्व विख्यात रामकथा व्यास ऋचा मिश्रा की मानस कथा का शुभारंभ भी हुआ। कलश यात्रा में समिति के अध्यक्ष विशंबर दयाल तिवारी, महिपाल सिंह, सुषमा त्रिवेदी, आयुषी पांडे, पूनम चतुर्वेदी, भानु प्रताप चतुर्वेदी, वैसन पायन शास्त्री, दिनेश मिश्रा, कन्हैया लाल शुक्ला, पंडित आशीष शास्त्री, भजन गायक अनुराग रोशन, सुनील टंडन, चंद्रकांत त्रिपाठी, विनीत त्रिवेदी, अन्नू तिवारी, अंशु रमाकांत अवस्थी, शशिकांत तिवारी सहित तमाम श्रद्धालु शामिल हुए। बता दें कि रामकथा 27 नवंबर तक प्रतिदिन अपराह्न 3 से सायं 7 बजे तक होगी। मानस मेला के व्यवस्थापक कमलेश पांडे ने जानकारी देते हुए बताया, ये सीतापुर के ऐतिहासिक मैदान लालबाग पार्क से ऐतिहासिक संस्था अखिल भारत श्री श्री रामचरित मानस मेला की तरफ से हर वर्ष मानस मेला होता है, उसी क्रम में इस वर्ष भी हो रहा है। ये 21 से 27 नवंबर तक होगा। उसके प्रथम दिन हमारे जो है कलश पूजन और शोभा यात्रा होती है। इस शोभा यात्रा में हमारे इस वर्ष की विश्वविख्यात कथा व्यास सुश्री ऋचा मिश्रा जी आई हुई हैं, उनकी शोभा यात्रा निकल रही है, जिसकी कि आप लोग पीछे फोटो देख रहे होंगे। श्रद्धालु लोग लगे हुए हैं जो भी हैं उनका है, और हम परशुराम चौक सीतापुर से यहाँ पर इसकी आपको सूचना दे रहे हैं कि ये सप्ताह भर कार्यक्रम रहेगा। प्रातःकाल यज्ञ गायत्री यज्ञ होगा, बाद में श्रीमद् भागवत का पाठ होगा, और अंतिम जो महत्वपूर्ण सत्र हमारा श्री रामचरित मानस कथा का होगा सातों दिन, जिसका कि श्री ऋचा मिश्रा जी करेंगे। ये सीतापुर का जो मशहूर शहीद पार्क लालबाग में किया जाएगा, जहां हर वर्ष होता है। ये रूट हमारा रहा लालबाग से घंटाघर, घंटाघर से जो है आलमनगर, आलमनगर से होली नगर, होली नगर से ग्रीकगंज, ग्रीकगंज से ट्रांसपोर्ट चौराहा और नगर पालिका कार्यालय। नगर पालिका कार्यालय के समक्ष आज यहाँ की नगर पालिका अध्यक्ष सुश्री नेहा अवस्थी ने जो है अपने पति के साथ में और पूरे कार्यालय के साथ में बहुत व्यापक पुष्प वर्षा की और उनका अभिनंदन किया। उसके आगे हम लोग बढ़ करके लालबाग से आँख अस्पताल आए। आँख अस्पताल के बीच में भी कई लोगों ने इसका पुष्पार्चन और अभिनंदन किया, और परशुराम चौक पर हमारे प्रेमनगर वार्ड के यशस्वी सभासद धीरज पांडे जी ने जो है उनका देवी जी का अभिनंदन और माल्यार्पण किया। हाँ, हमारे यहाँ मौजूद वैसे हमारे अध्यक्ष हैं, हमारी संपूर्ण कार्यकारिणी हैं, भानु चतुर्वेदी हैं, मैं हूँ, वैश्यम पायन शास्त्री जी हैं, विपुल सिंह जी विश्व हिंदू परिषद के हैं, राजेश शुक्ला जी यहाँ के अध्यक्ष हैं वो हैं, और अनगिनत नैमिष रतन तिवारी जी भी हैं, चंद्र प्रकाश त्रिपाठी जी हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनका नाम गिनाना मुश्किल है, और किसी का नाम छूट जाएगा तो उसको दिक्कत होगी। लेकिन मैं समझता हूँ करीब 100 गाड़ियाँ हैं और 200 मोटरसाइकिल्स हैं, और करीब 25 हमारे ऑटो में हमने विभिन्न महिलाओं को जो केसरिया वस्त्र में धारण करके जो हमारी कलश पूजन में गई थी, वो इतनी लंबी यात्रा पैदल नहीं कर सकती थी, इसलिए उनको हमने साधन मुहैया कराया और वो अपना उसमें हो रही। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।